500 रुपए महीना दे रहे हमें मोदी जी, हम मोदी जी को 1000 रुपए महीना देंगे। वो कहते थे हम आमदनी दुगुनी करेंगे। हमारा गन्ने का भाव 325 रुपए कुंटल है, हमारा गन्ने का रेट 650 रुपए कुंटल करो। और हम जितने किसान है यहाँ, हर किसान मोदी को 1000 रुपए महीना देगा। उन्होंने कहा था मुझे चौकीदार समझ के चुन लो। आज हिटलर क्यों बने, क्यों हिटलर साइज दिखा रहे हैं? अरे ये तुम असली बात हो, असली किसानों की बात कह रहे थे और ये कहा था कि मुझे चौकीदार बना के दो, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। लेकिन आज हिटलर साइज तुम्हारे अंदर कहाँ से पैदा हो गई ये बता दो मुझे। जब हम तंग आए जंग आए, अपना खेत छोड़ गए, अपने खेत में हमें गेहूँ बोना था, गेहूँ नहीं बो पाए हम देखेंगे जनता क्या। अगर इनको हमारा प्राइवेट फायदा कराना है तो MSP क्यों नहीं गारंटी करते प्राइवेट में? इसे जाहिर है कि उनकी नीयत सही नहीं है, क्योंकि MSP अगर गारंटीड कर देंगे प्राइवेट में तो फिर पूंजीपतियों को फायदा कैसे होगा, वो हमें कैसे रेगुलेट करेंगे अपनी मनमर्जी से? काफी किसान जो है इसका समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। कोई किसान इसका समर्थन नहीं कर रहा, जो किसान है वो असली तो आपके सामने खड़े। जो हम अपने खेत में जाकर काम करते हैं, सारा काम खुद करते हैं, हम खुद किसान हैं। और जो किराए वाले हैं उनके भाजपा के लोग हैं, जो पार्टी बेस पे उन्होंने मजदूरी पर ला रखे, कैसे ला रखे, उन्हें सामने लाओ ना। हमारे दूध का, दूध पानी का पानी हम करेंगे, हम बताओगे किसान कौन है और नकली कौन है और असली कौन है। और वो है ना, देख लिया तो ऐसे में कैसे बात बनेगी? एक तरफ जो है कह रहे हैं समर्थन करने वाले आ रहे हैं, फिर आप लोग कह रहे हैं कि किसान है नहीं, असली किसान होते तो खेतों में होते। हम खेत छोड़ गए अपना, हम अपना खेत छोड़ गए, हमारा गेहूं नहीं बुआ। जिस दिन यूपी के किसान का गेहूं बूझागा उस दिन मोदी जी दिल्ली में तुम्हें पता लगेगा कि किसान क्या है। किसान दिल्ली की एक एक ईंट उखाड़ गले जाएगा, ये किसान का दर्द है। 80% किसान मोदी जी तुम्हारे खिलाफ हो लिया, अब 20% को लेकर से घूमते फिरो। वो तो 2000 रुपए लेकर के काउंटिंग कर, वो 2000 रुपए 500 रुपए महीना दे रहे हमें मोदी जी, हम मोदी जी को 1000 रुपए महीना देंगे। वो कहते थे हम आमदनी दुगुनी करेंगे। हमारा गन्ने का भाव 325 रुपए कुंटल है, हमारा गन्ने का रेट 650 रुपए कुंटल करो। और हम जितने किसान है यहाँ, हर किसान मोदी को 1000 रुपए महीना देगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे आगे संघर्ष करने वाले, क्योंकि उधर से तो कोई नुमाइंदा नहीं रहा आप लोगों के पास बातचीत करने के। हम संघर्ष करने के लिए जब हम तंग आए जंग आए, अपना खेत छोड़ गए, अपने खेत में हमें गेहूं बोना था, गेहूं नहीं बो पाए हम देखेंगे जनता क्या खाऊगी। एक कीड़ी से लेकर आती तक एक किसान है, जो किसान इस देश को चला रहा है, अन्न दे रहा है, पानी दे रहा, दूध दे रहा। क्या दूध की कीमत, किसान का दूध गाँव में 20-25 रुपए किलो और वही पैकेट में गलने के बाद 70 रुपए किलो। सरमाएदारों को फायदा पहुंचाना चाह रही है सरकार, तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? उनके नुमाइंदे बार बार ये कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता बार बार टीवी चैनल में बैठ के ये कह रहे हैं कि इससे जो बिल है उससे छोटे किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। वो ये लोग हैं, चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल का, जो बिचौलिए हैं। तो फिर कैसे मतलब इस बात का समाधान निकल रहा? छोटे किसान को कैसा फायदा पहुंचा देंगे जिन पे KYC आज तक बैंक की जमा नहीं हुई? वे क्या उनका क्या कर देंगे? किन्होंने किसी किसान का कर्ज माफ करा? मोदी जी चुनाव में क्या कहते हैं, छोटे किसानों का कर्जा माफ करेंगे? किसी का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ इस सरकार ने, इतना वो कर दिया। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आप लोगों का अगला क्या करने वाले हैं आप लोग आगे? हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक मोदी अपनी ये कानून वापस नहीं लेंगे, उन्हें ये वापस लेने पड़ेंगे। किसान विरोधी हैं, इसमें किसान का हित कहीं भी नहीं है। संशोधन करने के लिए जो है बार बार कहा जा रहा है, क्या संशोधन करने से बातचीत होगा, मतलब समस्या जो है समाधान हो पाए? अरे भाई, मोदी जी ने खिचड़ी बनाई, नमक ज्यादा डाल दिया, कम कैसे करेंगे? उसको फेंकनी पड़ेगी ना। जब खाने लायक कोई चीज है ही नहीं तो कैसे खाओगे ना? ऐसे ही बिल किसान के हित में है ही नहीं तो संशोधन की गुंजाइश कहाँ है? वो तो कबाड़ा है, कूड़ा है। वो तो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि 70 सालों से किसानों की मांग रही है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, कब किसान ने आंदोलन किया इस बिल के लिए आप बताओ, कब आंदोलन किया? देखिए, मोदी जी के जो नकाब है वो उतर चुका है, जो देश हित में किसान हित में जो नकाब अपना बता रहे थे कि हम किसान हित में, वो पूरा का पूरा उतर चुका है। कि क्यों आज किसान सड़कों पे है और मोदी जी किसान की सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, कच्छ चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। जो 20 किलोमीटर पर जो किसान पड़ा है, ये किसान नहीं है क्या? इन बदबू आती है इनमें क्या? मोदी जी आप सुधर जाइए, नहीं तो किसान देश का एक एक किसान सुधरने आपको सुधारने के लिए आ रहा है। मैं आज आया हूँ, मुझे कम से कम 15 जगह पुलिस मिली है, लेकिन जो मोदी ने जी ने चाल जो देश के सामने चली ना, वही चाल मैं प्रशासन के सामने चल के आ रहा हूँ। उनसे झूठ बोले के आ रहा हूँ कि मुझे आंदोलन में नहीं जाना है, मुझे देहरादून जाना है, समझ रहे हो? अगर पुलिस ना रोके ना आज, जिस तरीके से जो मोदी जी समर्थन वाले बिल के समर्थन वाले किसानों को बुला रहे हैं ना खाना दे के, अरे हमसे यही कह दें कि पुलिस नहीं रोकेगी, यहाँ से लेकर जेवर तक जाम लग जाएगा, इतना किसान आने के लिए तैयार बैठा है घर से।
नहीं, संघर्ष यही है हमारा। देखिए अहिंसात्मक आंदोलन है, हम लोग यही खाएंगे, यही पिएंगे, यही रहेंगे। और वो टिके साहब ने कहा ना गोला लाठी देंगे, तो गोला लाठी देने की तैयारी चल रही है दिल्ली के चारों तरफ से। हम एक साथ होके एक दिन ऐसी गोला लाठी लगाएंगे कहीं नहीं, बिना हवाई जहाज के मोदी जी, मोदी के मंत्री दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उनके तरफ से जो है लेटर भेजा जा रहा है, आखिरी टाइम पे भी आपके पाले में ही गेंद डाली गई है कि आप लोग उसका जवाब दीजिए, फिर कैसे करेंगे आप? नहीं जे बताओ, मोदी जी जब चुनाव में आए थे उन्होंने कहा था मुझे चौकीदार समझ के चुन लो, आज हिटलर क्यों बनने, क्यों हिटलर साइज दिखा रहे हैं? अरे ये तुम असली बात हो, असली किसानों की बात कह रहे थे और ये कहा था कि मुझे चौकीदार बना के दो, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ, लेकिन आज हिटलर साइज तुम्हारे अंदर कहाँ से पैदा हो गई ये बता दो मुझे। तो कह रहे हैं कि किसानों के, कहाँ कह रहे, किससे कह रहे हैं आप बताओ, संबोधित कर रहे हैं? अरे मोदी जी आप अपनी मन की बात बकते रहोगे कि सब पूरे देश के सामने, आवाम के सामने, और जो आवाम आपसे मन की बात कहना चाहती है तो उसके बीच में आके सुनो ना, उसके की मन की तो सुन लो। वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप से क्या मतलब है? जब किसी ने देखिए 500 रुपये महीने किसी किसान ने मांगा, कभी आंदोलन किया मुझे तो नहीं मांगा ना, वो दे रहे हैं, और जो बिल हम लोगों को नहीं चाहिए वो वही क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं आप बताइए। ये देखिए ये प्रायोजित चल रही है, जो इनके इनके इन पे जो नकाब, एक मैं सुनो, जो इनके पे जो नकाब लगा है ना अडानी अंबानी और नीता अंबानी का, ठीक है, उसकी वजह से ये किसान के हित का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग चाहते क्या है फाइनली, क्या चाहते हैं? मेरी मांग ये है ये तीनों कानून वापस हो, MSP की कानूनन गारंटी दे, मंडी के बाहर मंडी के अंदर हमारा अनाज MSP पे खरीदा जाए, जो नीचे खरीदे उसको जेल में डाला जाए, ये हमारी मांग है। संशोधन करने से बातचीत नहीं बनेगी भैया, संशोधन से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताइए, संशोधन से क्या हो जाएगा? कह रहे बहुत सारे तमाम मुद्दे जो है आप लोगों के, देखिए कोई मुद्दा नहीं है, और दुनिया जन बिजली का बता रहे हैं। नहीं बिजली का भी है, बिजली होने पर मेरी बात सुनिए एक मिनट। आप अभी आपने एक सवाल किया था कि छोटे किसान, चलिए मैं 2 एकड़ का किसान मानता हूँ, 2 एकड़ में उसने गेहूँ पैदा किया और 1 एकड़ का उसने अपने खाने के लिए रख लिया, 1 एकड़ का उसके पास 25 क्विंटल, वो यहाँ 2,000 रुपये और मुंबई में चला 3,000 रुपये, तो 25 क्विंटल मुंबई ले जाएगा क्या? अरे जितना गेहूँ ने उतना ज्यादा भाड़ा लग जाएगा, इससे एक देश फायदा क्या है? हमने इस बार धान बेचा 1100 में, वो भी रो रो के 1100 में कैसे हमारा धान बिक गया है, और बिहार की हालत सारा देश जानता है कि वहाँ मंडी नहीं, कैसे फसल वहाँ बिकती है, तो किस हिसाब से ये कौन सी एग्जांपल दिखा के हमें कह रहे हैं कि प्राइवेट में आपको फायदा होगा? किस तरीके से फायदा होगा? मंडी से 800-900 रुपये सस्ता बिकता है, इससे बल्कि आधे रेट पे प्राइवेट में बिकता है, तो किस तरह से प्राइवेट में हमारा फायदा करा देंगे? अगर इनको हमारा प्राइवेट फायदा कराना है तो MSP क्यों नहीं गारंटी करते प्राइवेट में? इससे जाहिर है कि उनकी नीयत सही नहीं है, क्योंकि MSP अगर गारंटीड कर देंगे प्राइवेट में तो फिर पूंजीपतियों को फायदा कैसे होगा, वो मैं कैसे रेगुलेट करेंगे अपनी मनमर्जी से? तो आप लखनऊ से आए? जी मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं कल रात में हूँ, मैं 9 बजे तक पानी लगा रहा था, 11 बजे मेरी ट्रेन थी, तो मैं इस ऐसी हालत से मैं आया हूँ और यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ किसान नहीं है, और फिर मैं जाऊँगा अपना खेत का देख के मैं फिर वापस आऊँगा। तो आप कितने साल के हैं अभी से किसानी कर रहे हैं? मैं 24 साल का हूँ। 24 साल जी, मैं किसानी, मैं किसानी परिवार से हूँ। अच्छा किसानी जी, तो आगे कैसे आप लोग संघर्ष ये करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो है किसान जो 32-33 दिन से डटे हुए इतनी ठंड का माहौल में, तो क्या आप यहाँ रुकने वाले हैं? किस तरह? अभी मैं रुकूंगा और संघर्ष तो आगे के हालात तय करेंगे ना, जैसे जैसे अब ये जैसे जैसे संघर्ष जाएगा वैसे फिर हम फैसला होगा कि कैसे क्या करना है, अभी तो सोच नहीं सकते लंबा क्या करना है, अगर अगर चलेगा तो चलाते रहेंगे।